चित्रकूट में हनुमान धारा की एक विशेष महत्व का पाठ 1008 बार किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की धारा प्रकट। हनुमान धारा एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इस हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर एक प्राकृतिक झरना है। यहाँ पे 360 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से चित्रकूट के शानदार दृश्य को देखा जा सकता है। भगवान हनुमान की छोटी मूर्तियाँ प्रार्थना के लिए आपको रास्ते में दिखाई दी जाएगी। आमतौर पर चमेली का तेल और सिंदूर भगवान को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अभी हम लोग आ गए हैं हनुमान धारा पे। मैं आपको आपको दिखा देता हूँ कि जो धारा है यहाँ पे जो निकल रही है, चित्रकूट में हनुमान धारा की एक विशेष महत्व है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका दहन करके आए थे तब उनकी शरीर बहुत तप गई थी, और तपने के बाद वो श्री राम भगवान श्री राम जी के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि शीतलता पहुँचाने का कोई उपाय बताएं। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो, चित्रकूट पर्वत चले जाओ। हनुमान जी चित्रकूट आकर विंध्या पर्वत पर श्रृंखला की एक पहाड़ी पर श्री राम रक्षा सेतु का पाठ 1008 बार किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की धारा प्रकट हो गई। जल धारा शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वह जलधारा निरंतर गिरती है।